बहुत ही खूबसूरत चौरंगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको लेके इसलिए जा रहा हूँ कि यहाँ एक दुनिया वाली चौरंगी बनी है, और जो दुनिया वाली चौरंगी है वो चौरंगी जो है और उसके साथ ही इस्लामिया कॉलेज है। आप देख सकते हैं सामने जो चौरंगी बनी हुई है ये दुनिया की चौरंगी है। और कुछ ऐसी यहाँ की कराची की चीज़ें हैं जो इसको आप देखें तो आपको वो एरिया याद आ जाता है। आपने अगर ये चौरंगी देखी होगी जो कि आपके सामने, ये दुनिया चौरंगी कहलाती है। इसके उल्टे हाथ पे इस्लामिया कॉलेज है, सीधे हाथ पे जो है दाऊद यूनिवर्सिटी है। आप देख सकते हैं चौरंगी। और इस चौरंगी की भी ख़ास बात यह है कि जो चौरंगी है अपनी उसमें एक अलग मकाम रखती है ये चौरंगी। और ये चौरंगी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। मेंटेनेंस फ़िलहाल होती है, भी मेंटेनेंस नहीं हो पाती, मगर ये चौरंगी है ये एक अलग कराची की पहचान है और बहुत ही खूबसूरत चौरंगी है ये। यहाँ जो है इस्लामिया कॉलेज, साथ ही इस्लामिक कॉलेज आप देख सकते हैं, ये सामने आप देख सकते हैं इस्लामिया कॉलेज है। और इस्लामिया कॉलेज के साथ साथ जो है इससे रानी वालों ने अपना पानी का फिल्ट्रेशन प्लान लगा हुआ है। और ये इस्लामिया कॉलेज है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला तरीके का जो है ये मामलात हैं और बेहतर है माशाल्लाह से। तो ये जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव मनाजिर कराची के उन मखसूस एरिया के जो बहुत ही मशहूर हैं और बात चली थी बग्गी के ऊपर और बग्गी से फिर हम कहाँ आ गए। तो खैर ये कराची का मैं आपको दिखा रहा हूँ ओवरव्यू, और ये जो कवरेज है ये सारी चीज़ें हैं आपको इस चैनल पे ही दिखेंगी और किसी चैनल पे नज़र नहीं आएंगी मामला। तो ये है कराची का मामला जो कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। यकीन हम जाएंगे मज़ार क़ायद की तरफ, ये रास्ता मज़ार क़ायद की तरफ जा रहा है। हम देन इसको वापस टर्न करेंगे टूवर्ड्स। अच्छा, ये ऐसा एरिया है यहाँ को बहुत पुराने पुराने घर मिलेंगे, बहुत पुराने, ये गुरु मंदिर का एरिया कहलाता है। और आप देख सकते हैं सामने ये घोड़ा, ये आपको बताया यहाँ टांगे वाले बहुत हैं, तो ये चौरंगी बनाई है इन्होंने, इस पर घोड़ा जो है बना हुआ है आप देख सकते हैं। मैं इस पर भी किसी ने जो है वो कर दिया है अपना चौकिंग। तो मैं आपको घोड़ा दिखा रहा था, तो घोड़े आपको यहाँ काफ़ी मिलते हैं, ये बग्गी वाले काफ़ी हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये एक और दो घोड़े खड़े हुए हैं माशाल्लाह, तीन घोड़े खड़े हुए हैं, इनकी अपनी एक अलग माशाल्लाह से पहचान है माशाल्लाह माशाल्लाह इन घोड़ों की। आप देख सकते हैं तो जो घोड़े हैं इनकी ख़ास बात ये होती है कि कभी बूढ़े ही नहीं होते हैं। आपको पता है कि गधे और घोड़े में बड़ा फ़र्क है, जो गधे हैं उनका मामला अलग होता है, उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है, मगर जो घोड़े हैं उनका अलग मेयार है। तो ये है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कराची के हवाले से। देखिए कितने नस्ली और कितने प्यारे घोड़े हैं माशाल्लाह से, घोड़े के आप बाल देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। आप वो देखें सामने जो टांगा आपको बता रहा था मैं, टांगा आप देख सकते हैं सामने टांगे खड़े हुए हैं, ये सामने टांगे खड़े हुए हैं। टांगे का एक अलग ही अपना मज़ा है, असल टांगा ही है जो कि चलता है टांगा।